अब तो मस्त गर्मियों में स्प्राइट और फेंटा पियेंगे। हाय रखो भैया गिलास खाली करो फेंटा। ये क्या हो गया यार? तो गाइस आज हम बनाएंगे कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर, और उसके लिए चाहिए होंगे हमें ये सब कंपोनेंट्स: एक 12 वोल्ट की बैटरी पैक, दो पुश स्विच, दो एयर पंप 12 वोल्ट के, और कुछ वायर्स। और अब हम इन वायर्स को एयर पंप में सोल्डरिंग कर लेंगे। हमने एयर पंप में अच्छे से वायर सोल्डरिंग कर लिया, आप देख सकते हैं, और अब हम इनको साइड में झाड़ देंगे। तो गाइस अब आपको लेनी है प्लास्टिक की कुछ शीट्स, इनकी डायमेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको थोड़ी और लेनी है और थोड़े और पीसेस लेके प्लास्टिक की शीट्स के, टोटल इतनी सारी शीट्स लेनी है, और आपको इन्हें कुछ ऐसे लगा देना है। बहुत ज़्यादा हो गई यार ये तो। हमने पूरा चिपका लिया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लीक लग रहा है, साइड्स वगैरह से बहुत शानदार लग रहा है, बहुत प्रोफेशनली बनाया हमने इसे। इसीरा जैसे बहुत प्रोफेशनली कटेड है, राइट एंगल का ट्राइंगल अपॉन में एरिया होगा, जैसे हाइपर बोला ऐसा जाता हुआ एन टू बी अपॉन में एक्स का वाई स्क्वायर, इसका एरिया पूरा। अब हम यहाँ पे इसमें दो होल कर लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और कैसे हमारा मन नहीं भाया था, हमने इसमें चार और होल कर लिए, आप देख सकते हैं। तो इसी बात पर जल्दी जाके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कुछ भी कुछ भी। और अब हम हमारे दोनों पुशेज लगा देंगे। और अब हमें पतला वाला पाइप ले लेंगे, इसे गाइस मिस्त्री वाला पाइप भी बोलते हैं, क्या पता है कौन से एंगल से मिस्त्री लगता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। अब हम हमारे एयर पंप में यहाँ पे ग्लू गन लगा के अच्छे से पाइप को लगा लेंगे। हमने इन दोनों में अच्छे से पाइप को एयरटाइट करके लगा दिया, आप देख सकते हैं। और अब हमारी इन बॉटल्स के कैप ले लेंगे। अब हम इनमें यहाँ पे होल कर लेंगे। ये देखिए होल हो चुके हैं, हमने इतना स्मूथ टेंशन किया, इसके लिए आप अभी जाके वीडियो को लाइक करिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब आपको कुछ इस तरीके से इन पाइप्स को हमारे कैप्स में लगाना है। अब हमने इन दोनों को अच्छे से एयर टाइट पैक कर दिया है ग्लू गन से, और अब हमारा ये ले लेंगे। अब दो छोटे वाले दो पाइप हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना है। और अब हम इन सब की इस बैटरी के साथ वायरिंग कर देंगे। तो हमने वाटर स्कूप भी अच्छे से लगा दिया है, और अब बस आखिरी चीज रह गई है, वो है स्कूपर का फ्लैप लगाना। तो अब वो लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने दो स्टिकर लगा लिए स्प्राइट और फेंटा का, और यहाँ पे हमने चार नट से ऊपर वाले फ्लैप को अच्छे से टाइट कर लिया है, और अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सबसे पहले हम लेंगे स्प्राइट, ये देखिए कितने अच्छे धीरे धीरे आ रही है, इसका अलग ही मजा है, और कितनी साइलेंट भी चलती है हमारी मशीन। और अब हम लेंगे फैंटा,
यार कितने से दीदी आती है, जब तक ये नहीं कर दे तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।